देख रहे हैं कि महानगर पालिका द्वारा यहाँ पे सारे मेंटेनेंस विभाग ने काम किया है। एल वार्ड का या बॉर्डर लगता है, एल वार्ड पश्चिम में महानगर पालिका को आप देख रहे हैं कि मीठी नदी को चौड़ा किया गया था, लेकिन डंपिंग माफियाओं ने इसको डंप करके एकदम सकरा कर दिया, जिसकी वजह से नदी का पानी फ्लो हो रहा है। आज यह मीठी नदी आप देख सकते हैं कि यह गटर नुमा था, इसको बैतरनी नदी बोली जाती थी, लेकिन आज इसका रौद्र रूप भी आप देख रहे हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई को माफियाओं ने खा के इसको सकरा कर दिया है। और सकरा होने की वजह से यह जो है गटर आज नाला, इसको नदी का आप कहते हैं, ये नाला बन गया और इसको सकरा करके माफियाओं ने किस तरह डंपिंग किया हुआ है आप देख सकते हैं कि यही वजह हुई थी कि 26 जुलाई 2005 को यह मीठी नदी अपना रौद्र रूप धारण किया और हजारों लोग जो है मौत के मुंह में समा गए थे। यहाँ बाढ़ की वजह से कई लोग मर गए थे, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे न्यूज के माध्यम से यह नदी फिर से उफान ले रही है और जो डंपिंग माफिया है नदी के आजू बाजू में डंप करके नदी को सिकोड़ दिए है, जिसकी वजह से लोगों का जान माल को बड़ा खतरा का अनुमान लगाया जाता है। बगल में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की दशा भी आप देख सकते हैं कि दीवार के बगल में नदी का जो दोनों पेटा है वो भर चुका है और यह अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मीठी नदी कुरला जल वार्ड पश्चिम का यह बॉर्डर लगाता है, जहाँ पे यह नदी का रौद्र रूप आप देख सकते हैं और जो माफियाओं ने इसको कब्जा किया हुआ है उन माफियाओं पे महानगर पालिका और नए नवेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी सख्त कार्रवाई करे और ये जो बेटे को सिकोड़ा गया है इसको मुक्त करके फिर से चौड़ीकरण करे और जिन माफियाओं ने इसको डंप किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए लोगों की जान माल की सुरक्षा करे। पवन पाठक के साथ आकाश मिश्रा। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी खबरों की इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों की इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।